ये क्या घटना हुआ था, किस तरह का जो है आपके बच्चे के साथ? बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 तारीख को हमारी बच्ची एक्सपायर की। उसके एक दिन पहले हम लोग देखे कि जहाँ वो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वहाँ लो वैक्यूम लिख रहा था, वहाँ रेड इंडिकेटर जल रहा था, फिर भी वहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से तमाम बच्चे उस दिन एक्सपायर कर गए। दूसरे दिन यह पता चला कि सुबह 11 तारीख को कि जो बच्चे एक्सपायर किए हैं वह वैसे नहीं मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, लेकिन प्रशासन उस पर आज तक कहीं कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कभी कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या हुआ। नहीं, 1 साल हो गए इस तरह की घटना हुए, और सरकार का कोई भी व्यक्ति अभी तक आपसे पूछने तक नहीं आया है, क्या क्या है इसमें? पता नहीं क्या सरकार की मंशा है कि आज तक तो कोई पूछ नहीं आया। छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं तो सरकार उस पर तमाम सतपुष्ट दे रही है, घर तक जा करके उसकी हाल चाल पूछ रही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में तो कोई भी नहीं आया पूछने के लिए आज तक। क्या हुआ था बच्चे की और कितने साल की थी? मेरी बच्ची 4 साल की थी, और शाम 6 बजे की गोरखपुर लेकर गए थे। उनका मस्तिष्क ज्वर हुआ था और 3 बजे के टाइम में वो एक्सपायर हो गई थी वहीं पे। एक साल हो गए आपके बच्ची को एक्सपायर हुए, क्या सरकार से अभी तक कुछ आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? वही दिए हैं अखिलेश यादव, और को मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, वही दिए हैं 2 लाख का चेक, उसी के तरफ से मिला है। नहीं, सरकार का कोई आदमी, कर्मचारी या घर में किसी अन्य बच्चे की तो इस तरह की शिकायत? यहाँ मेडिकल मतलब स्वास्थ्य कर्मी आते हैं आपके घर पे, कोई अन्य बच्चों को भी इस तरह की न हो ऐसा दवा वगैरह दिए हैं कि नहीं? वो तो ये सब जांच करते हैं मैडम, मैडम ना जांच करते हैं, और कोई नहीं आया था कि जांच करने? कोई नहीं आया था। नहीं,